नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव सांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। हम कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी और इस सिलसिले में कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी आपको अभिप्सा के प्लेटफॉर्म में मिल जाती है। यदि आप ये वीडियोज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडिशनल मटेरियल चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर से फ्रीली अवेलेबल है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारी जो बात है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में से, आज हमारी मुख्य रूप से बात होने वाली है इस प्रकाशिकी यंत्र वाले सेक्शन में। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, और जब चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी तो उस हिसाब से जो है हम ये निर्धारण करेंगे कि इससे अधिकतम अंक कैसे लाए जाएं। चलिए, तो सबसे पहले हम जो है बढ़ते हैं आगे, और समान समायोजन के लिए जब अंतिम बिंब प्रतिबिंब जो है अनंत पर बने की स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए नामांकित चित्र का किरण आरेख बनाइए। इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, इससे पहले जो है हम एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी का जो है किरण आरेख बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है हम एक बाईफोकल लेंस ले लेते हैं। ये जो है किस प्रकार का लेंस है, यह एक नमस्ते लेंस यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस में जो है यदि हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारी जो वस्तु है, यदि हम इसे F और O के बीच में रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हमें क्या प्राप्त होता है, भाई ये हमारा जो है वस्तु है इसका नाम B और A रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम एक किरण इस प्रकार से भेजेंगे कि यह किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर फोकस से होकर गुजरेगी। तो हम लोगों ने जो है किरण को किस प्रकार से भेजा, हम लोगों ने किरण को मुख्य अक्ष से समांतर भेजा और वह अपवर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरी। इसके बाद में हम जो है दूसरी जो किरण है उसे इस तरीके से भेजेंगे कि वह किससे होकर गुजरे, प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरे, और इस स्थिति में जो है यह अविचलित सीधे आगे निकल जाती है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो किरण है वह हमको इस ओर जो है एक दूसरे से दूर जाती हुई नज़र आ रही है, इसलिए जो है हमको ये किरणें जो है पीछे की ओर ले जाने पर एक दूसरे से जुड़ती हुई नज़र आएंगी, और इस प्रकार से हमको जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा जहाँ से जो है ये किरणें एक दूसरे से जुड़ी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये चित्र जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम जो है इसको और थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। चलिए दोबारा प्रयास करते हैं। यहाँ पर हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के सामने हम लोगों ने वस्तु को इस प्रकार से रखा कि यह फोकस दूरी से ओ के बीच में जो है प्रकाश की केंद्र के बीच में है। यहाँ से एक किरण हम लोगों ने इस प्रकार भेजी वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये हमारा फोकस बिंदु दूसरी ओर हो गया। इसी प्रकार से जो है हम लोगों ने एक किरण इस प्रकार से भेजी कि वह प्रकाश की केंद्र से होकर गुजरे, और इस प्रकार से वह अविचलित सीधे आगे निकल जाती है। अगर हम जो है इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें इन किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर जो है एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, और यह प्रतिबिंब जो है वह आभासी होगा, सीधा होगा, और हमारे लेंस के बाईं ओर बनेगा। अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता करने के लिए जो है मतलब ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। यहाँ देखिए कि हम आवर्धन क्षमता m निकालने के लिए कोणीय आवर्धन क्षमता m का मान होता है tan बीटा बटा tan अल्फा, या इसी को हम बीटा बटा अल्फा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीटा कोण यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये वस्तु है और यहाँ पर b, यहाँ पर a है, यहाँ पर a डैश और यहाँ पर b डैश होगा। ठीक है, और यदि जो है हम जिस दूरी पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है उसी दूरी पर रखें तो ये हमारा हो जाएगा A1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हम यदि इस कोण का मापन करें तो ये कोण हो जाएगा
बीटा, क्योंकि इसी कोण से पीछे जाने पर हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए ये हो गया बीटा। अच्छा, जिस दूरी पर, जिस स्थान पर जो है हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी स्थान पर यदि हम ऐसा कोण बनाए जो कि वस्तु से, वस्तु की ऊंचाई पर बन रहा हो, तो हम उसे अल्फा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इस कोण की बात करेंगे तो ये हमारा कोण हो जाएगा अल्फा। अब जो है टैन बीटा के लिए जो है आप बताइए, तो टैन बीटा के लिए टैन थीटा का मान होता है, टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर जो है लंब क्या है, तो लंब देखिए लंब है ए डैश बी डैश, ठीक है, लंब है ए डैश बी डैश, और बटा आधार क्या है, तो आधार है ओ बी डैश, ओ बी डैश। और यहाँ पर जो है इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके लिए लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर है ए ए वन, ए वन और बी डैश, और आधार है ओ बी डैश, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो टैन बीटा है इसके लिए जो है हमारा टैन टैन बीटा है, इसके लिए जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ए बी और बटे में ओ बी के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब जो है यहाँ पर जो है देखते हैं जो जो चीज़ें हमसे कट सकती हैं, पहले हम वो कटा देंगे। तो ये ओ बी डैश और ये ओ बी डैश दोनों कट गया, और यहाँ पर जो है एम का हमको मान क्या मिलता है, एम बराबर ए डैश बी डैश बटा ए वन बी। यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है, ये ऊंचाई है प्रतिबिंब की, तो इसको एच डैश ले लेते हैं, और ये ए वन बी जो है ये ऊंचाई है हमारे वस्तु की, तो इसको एच ले लेते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी पता है कि अगर जो है हम ये वाला सूत्र यहाँ पर उपयोग करते हैं तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि इसको जो है हम ऋण वी बटा यू भी ले सकते हैं। अब ऋण वी बटा यू जो है हम लेते हैं, अब यहाँ पर जो है हमको और क्या नज़र आता है कि v बटा u लेने के बाद में जो प्रतिबिंब बना है, हमको ये आवश्यक शर्त है कि ये न्यूनतम दृष्टि की जो है, मतलब निकटतम दूरी की न्यूनतम दृष्टि, निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि d है, और इस प्रकार से जो है हमको आवर्धन कितना मिलता है, m का मान मिलता है d बटा u डैश, ठीक है। अब यदि जो है ये प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा होता तो हमको ये मिलता एक धन डी बटा यू डैश, और ये दोनों सूत्र जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ लिया। अब अगली बात क्या है, समान संयोजन के लिए जो है अनंत स्थिति पर जो है बने प्रतिबिंब की बात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य अक्ष बना लेते हैं। मुख्य अक्ष पर हम एक वस्तु रखेंगे, और वस्तु के आगे जो है हमारे पास में दो प्रकार के दर्पण होने वाले हैं, दो प्रकार के लेंस होने वाले हैं। पहला लेंस इसको जो है, क्योंकि ये वस्तु के पास में है इसके लिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यहाँ से जो है प्रकाश की किरण अगर जो है समतल भेजा जाए तो ये जो है, अच्छा पहली किरण जो है हम ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेके गुजारते हैं, और ये ऑप्टिकल सेंटर से ओ से गुजरने वाली पहली किरण है, और ये किरण जो है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यह फोकस दूरी से होकर जो है ऐसे गुजरेगी, और यहाँ पर जो है हमको एक प्रतिबिंब नज़र आएगा। यदि वस्तु की ऊंचाई जो है हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी डैश, मतलब ए और बी ले लिया है, तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन रहा होगा। अब यहाँ से निकलने वाले प्रकाश के लिए जो है हम एक अरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम दूसरा वाला जो है लेंस बना देते हैं। यहाँ से निकलने वाला पहला प्रकाश इस तरीके से आएगा, और यह अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएगा, मतलब अपवर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर गुजरेगा इस तरीके से, और इसी प्रकार से जो है यहाँ से निकलने वाला दूसरा प्रकाश यहाँ से आएगा और यह इस तरीके से गुजरेगा और हमको प्रतिबिंब नज़र आएगा। यदि इसका जो है हम डायग्राम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, तो मैंने आपको डायग्राम बनाने का तरीका बता दिया। अब ये यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर
हमको आवर्धन क्षमता निकालनी है तो m का मान अभी भी क्या होता है, ये होता है tan बीटा बटा tan अल्फा। और यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो है प्रतिबिंब बन रहा है b डबल डैश a डबल डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा b डबल डैश a डबल डैश, और बटे जो है ये जो दूरी है ये देखिए ये है c से लेके b डबल डैश तक, तो c b डबल डैश ये जो है ये tan बीटा के लिए सूत्र हो गया, हमको यहाँ पर बीटा दिखाई दे रहा है और ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से जब हम अल्फा निकालेंगे तो उसी दूरी पर जो है हम a1 b डबल डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 b डबल डैश और बटे में जो है c b डबल डैश। और यहाँ से जो है हमको क्या मिलता है, यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो मैग्नीफिकेशन m का मान हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन m का मान हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश बटा, और यहाँ पर क्या है a1 b डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम इसे ज़्यादा आसान बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो है v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो है वो पहले प्रतिबिंब की दूरी जो है वो पहले के लिए जो है इस तरीके से हो जाती है कि हमको प्रतिबिंब कहाँ नज़र आ रहा है सी बी डैश में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है हम लोग करेंगे a डबल डैश b डबल डैश बटा c b डैश और गुणा c b डैश बटा a 1 b डैश। यहाँ से क्या हुआ, ऐसा करने से जो है हमको क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की दूरी है वही जो है यहाँ से जो है हमको दूसरे वाले लेंस के लिए जो है वस्तु की दूरी दिखाई देती है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर m का मान हो जाता है m बराबर m o ऑब्जेक्टिव के लिए जो है जो हमको ये देखिए c b डैश और a b डैश ये जो है ऑब्जेक्टिव का लेंस हो गया, और यहाँ पर जो है आवर्धन क्षमता हो गई, और गुणा में जो है हमको मिल जाएगा m e जो कि आई पीस की आवर्धन क्षमता हो गई। तो हमको जो है यहाँ पर आवर्धन क्षमता के लिए भी सूत्र मिल जाता है। और ये प्रश्न जो है आपसे रेखा चित्र यानी कि किरण आरेख चित्र के साथ साथ अगर आपको जो है मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बोलता है तो ये प्रश्न जो है आपके लिए 5 अंक का हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें जो है एक और प्रश्न आता है जहाँ पर जो है हमारा प्रतिबिंब ये डिस्टेंट विजन में बनने की बजाय जो है अनंत पर बन रहा होगा, उसके लिए जो है हमारे पास में रेखा चित्र ये है, और यहाँ पर जो है हमें बस थोड़ा सा जो है बदलाव यहाँ करना था, और इस बदलाव में आप देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है किसी एक निश्चित दूरी पर बनने की बजाय अनंत पर बन रहा है, और इसके लिए जो है हमको यहाँ पर समांतर रेखाएँ नज़र आती हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम दूरदर्शी के लिए भी रेखाचित्र बनाएंगे, और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।